मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को कांग्रेस द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जेटली ने शनिवार को लिखे फेसबुक ब्लॉग में राहुल गांधी की पढ़ाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, कांग्रेस अध्यक्ष ने मास्टर डिग्री एमए की पढ़ाई नहीं की, फिर वह बताए कि उन्होंने एमफिल की डिग्री कैसे पूरी की। दरअसल राहुल गांधी के हलफनामे को लेकर सोशल मीडिया में बहस हो रही है कि राहुल गांधी ने 2004 और 2009 में बताया था कि उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमफिल किया है, जबकि 2014 में कहा कि एमफिल डेवलपमेंट स्टडीज़ में किया गया है। कोई ये भी बता रहा है कि एमफिल में राहुल गांधी ने इस विषय में पास होने लायक भी नंबर नहीं पाए। जेटली ने अपने ताज़ा ब्लॉग में इसी को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। इंडियाज ऑपोजिशन इज ऑन अ रेट अक्रॉस कैंपेन के मुताबिक हेनरी के साथ अरुण जेटली ने लिखा, आज बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर बात हो रही है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता को भुला दिया जा रहा है। राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। बेशक उन्होंने बिना मास्टर डिग्री के एमफिल की पढ़ाई जो पूरी की है, इस बारे में आज कोई बात नहीं हो रही है, जबकि राहुल गांधी ने कई महीनों पहले खुद ये स्वीकार किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।